डियर स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ चैप्टर सेकंड हिस्ट्री। इसमें पिछले वीडियो में अपन ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा था, प्रथम विश्व युद्ध और रशियन एम्पायर, रूसी साम्राज्य के बारे में। अब आज का हेडिंग है अपना द फरवरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड। पेट्रोग्राड के अंदर फरवरी क्रांति, ये इस हेडिंग के तहत अपन आज का अध्ययन करेंगे। विंटर ऑफ द 1917 की जो सर्दी की थी, तो उसमें कंडीशंस इन द कैपिटल पेट्रोग्राड बर ग्रिम। तो जो पेट्रोग्राड की जो राजधानी थी, उसमें जो कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा जटिल थी। सिटी का जो लेआउट था वो ये बताता था कि डिविजन्स अमंग्स इट्स पीपल, लोगों के मध्य में जो है ना डिविजन्स थे, बंटवारे थे, उनके बारे में ने पता लगता था। द वर्कर्स क्वार्टर्स, और जो वर्कर्स थे काम करने वाले उनके क्वार्टर्स थे, फैक्ट्रीज वर लोकेटेड ऑन द राइट बैंक ऑफ द रिवर नेवा। तो जो रिवर नेवा थी उसके किनारे पर दाई तरफ स्थित थे वर्कर्स के ना क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज, और लेफ्ट बैंक और बैंक के बाई तरफ फैशनेबल एरियाज थे। द विंटर पैलेस था, ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी इंक्लूडिंग पैलेस महल के अंदर, वेयर द ड्यूमा मेट, जहाँ है ना ड्यूमा की मीटिंग हुई थी। इन फरवरी 1917 को फूड शॉर्टेज बट डीपली फेल्ट, भोजन की कमी है ना बहुत ज़्यादा गहराई से है ना अनुभव की गई। इन द वर्कर्स क्वार्टर्स के अंदर द विंटर वॉज वेरी कोल्ड, सर्दी बहुत ठंडी थी। देयर हैड बीन एक्सेप्शन फ्रस्ट एंड हैवी स्नो, भारी है ना बरसात गिर रही थी और चारों तरफ से ना अप्रत्याशित फ्रस्ट था, कोहरा छाया हुआ था। पार्लियामेंट्री विशिंग, और जो संसदीय लोग थे वो ये आशा करते थे, इच्छा करते थे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट, एक चुनी हुई सरकार होनी चाहिए। बर अपोज टू द जार्स डिजायर, जो कि जार की इच्छा के खिलाफ थी, इसलिए वो डिजोल्व द ड्यूमा, इस ड्यूमा को भंग करना चाहते थे। फरवरी 22 के अंदर एक लॉकआउट टू प्लेस, एक लॉकआउट है ना फैक्ट्री ऑन द राइट बैंक, फैक्ट्री के ना दाई तरफ एक स्थान पर वर्कर्स इन 50 फैक्ट्रीज, कम से कम 50 फैक्ट्रीज के वर्कर्स ने है ना एक स्ट्राइक की सिंपैथी सहानुभूति के साथ, और बहुत सारी फैक्ट्रीज के अंदर जो औरतें थी उन्होंने भी है ना स्ट्राइक में भाग लिया हड़ताल के अंदर। और ये केम कॉल द इंटरनेशनल वीमेंस डे, और इससे है ना उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय औरत दिवस के रूप में है ना पुकारा। डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स क्रॉस्ड फ्रॉम द फैक्ट्री क्वार्टर्स टू द सेंटर ऑफ द कैपिटल, और जो डेमोन्स्ट्रेटिंग वर्कर्स थे जो काम से निकाले गए थे, वो वर्कर्स फैक्ट्री क्वार्टर से बाहर निकलते हुए और राजधानी की जो सेंटर ऑफ द कैपिटल, जो राजधानी का जो केंद्र था वहाँ पर वो पहुँच गए थे। द नेवस्की प्रॉस्पेक्ट, नेवस्की प्रॉस्पेक्ट नाम की जगह पर संडे 25 फरवरी को गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा, 25 फरवरी को सरकार ने है ना ड्यूमा को भंग कर दिया था। और जो पॉलिटिशियन थे स्पोक आउट अगेंस्ट द मेजर, और जो राजनीतिक लोग थे वो है ना इसके विरुद्ध है ना बाहर निकले आए थे। डेमोन्स्ट्रेटर रिटर्न इन फोर्स टू द स्ट्रीट्स ऑफ द लेफ्ट बैंक ऑफ द 26, और वो 26 को उस नदी के किनारे पर उसकी गलियों में वापस है ना सख्ती से लौटा दिए गए थे। और 27 को पुलिस हेडक्वार्टर्स पर रैनसेक्ड, पुलिस हेडक्वार्टर्स से ना वो उनका घिराव कर लिया गया था। द स्ट्रीट्स थ्रॉन्ड विद पीपल, और गलियां है ना लोगों से भर गई थी। अगली नेक्स्ट डे ए डेलीगेशन वेंट टू द सीट जार, अगले दिन एक प्रतिनिधिमंडल वो जार से मिलने के लिए गया। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज हिम टू द एब्डिकेट, और जो मिलिट्री कमांडर्स थे उन्होंने वहाँ को सलाह दी कि वहाँ से है ना जाने के लिए।
ही फॉलोड देयर एडवाइस, उन्होंने उनकी सलाह को माना और एब्डिकेट ऑन 2 मार्च, और 2 मार्च को है ना उसके सलाह के हिसाब से उसने अनुकरण किया। एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्मड ए प्रोविजनल गवर्नर टू रन द कंट्री, और इस प्रकार ड्यूमा के लीडरों ने एक प्रोविजनल गवर्नर गवर्नमेंट की को चलाने के लिए देश का सहयोग किया। रशिया फ्यूचर बोर्ड एडल्ट सरफेस, और इस प्रकार से रशिया का जो फ्यूचर है ना वो डिसाइडेड बाई ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक संवैधानिक सभा ने चुन लिया। इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द यूनिवर्सल एडल्ट सरफेस, अर्थात है ना वोट डालने के अधिकार के द्वारा। अब आता है आफ्टर फेब्रुवरी, इस प्रकार जो फेब्रुवरी रिवॉल्यूशन है ना ब्रॉट डाउन द मोनार्ची इन फेब्रुवरी 1917 फरवरी के अंदर ये मोनार्ची को है ना ख़त्म कर दिया, राजतंत्रात्मक शासन को ख़त्म कर दिया, और इस प्रकार से ये फेब्रुवरी रिवॉल्यूशन के नाम से पेट्रोगार्ड की जानी गई। अब आता है आफ्टर फेब्रुवरी, फरवरी के बाद में जो आर्मी ऑफिसर्स थे, लैंड ओनर्स थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति, भूमि स्वामी थे, बट इन्फ्लुएंसली इन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो ये इस प्रोविजनल जो राज्यों की जो सरकारें थी उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। बट द लिबरल्स, लेकिन वो जो स्वतंत्रता प्रेमी थे, एज वेल एज सोशलिस्ट, जैसे कि समाजवादी लोग, अमंग देम उनके साथ वर्क टुवार्ड्स एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, वो ये चाहते थे कि एक चुनी हुई सरकार को है ना आगे बढ़ाया जाए। रेस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स, और जो जनता की जो मीटिंग्स हुआ करती थी उस पर प्रतिरोध लगाया जाए। एंड एसोसिएशंस वर रिमूव्ड, और ऐसी जो संस्थाएं हैं उनको हटा दिया जाए जिनको सोवियत्स के नाम से जाना गया हो, लाइक द पेट्रोगार्ड सोवियत, जैसे पेट्रोगार्ड की जो सोवियत थी वैसी। इन अप्रैल 1970 और अप्रैल 1917 के अंदर बोल्शेविक लीडर जो व्लादिमीर लेनिन वो वापस रूस के अंदर लौटा फ्रॉम हिज एग्जाइल, अपने वनवास से। ही एंड द बोल्शेविक हैड अपोज द वार, और उसने और बोल और जो बोल्शेविक थे उसके साथ ही उन्होंने 1914 तक इस युद्ध का है ना विरोध किया। और नाउ ही फेल्ट, और अब उसने ये भी अनुभव किया कि इट वॉज टाइम फॉर सोवियत, कि ये सोवियत लोगों के लिए समय था टू टेक ओवर पावर, शक्ति को अपने हाथ में लेने के लिए। इसलिए ही डिक्लेम्ड द वार बी ब्रॉट टू ए क्लोज, और उसने इस प्रकार से है ना उस युद्ध को समाप्त करने के लिए घोषणा कर दी। लैंड वाई ट्रांसफर टू द पीजेंट्स, और वो है ना जो किसानों की जो जमीन थी उसको भी उसने ट्रांसफ़र कर दिया। एंड बैंक्स भी नेशनलाइज्ड, और जो बैंक थे उनको राष्ट्रीयकृत घोषित कर दिया। ये तीन जो मांगे थी बर लेनिन्स अप्रैल थीसिस, इन तीन मांगों को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। ही आल्सो आर्ग्यूड, उसने इस बात के लिए भी तर्क दिया कि बोल्शेविक पार्टी, मोस्ट अदर्स इन बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज्ड बाय द अप्रैल थीसिस, ये अप्रैल थीसिस से है ना बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित थी शुरुआत में। इसलिए समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड, इस प्रकार है ना गर्मी के अंदर जो वर्कर्स का मूवमेंट है ना वो तेज़ी से फैला, और इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, कमेटीज फॉर्म्ड विच बिगेन क्वेश्चनिंग, और अब इनमें है ना प्रश्न है ना उछलने शुरू हुए। द वे इंडस्ट्रियलाइजिस्ट रेन देयर फैक्ट्रीज, और जो उद्योगपति थे वो अपनी फैक्ट्रियों में है ना दौड़ने भागने लगे। ट्रेड यूनियंस ग्रू इन नंबर्स, और जो व्यापार की संस्थाएं थी उनकी संख्या बढ़ने लगी। सोल्जर्स कमेटीज वर फॉर्म्ड इन द आर्मी, आर्मी के अंदर सोल्जर कमेटी बनाई गई, उनकी समितियां बनने लगी। और जून के अंदर लेव आउट 5500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत, और इस प्रकार से है ना जून के अंदर 500 सोवियत को है ना प्रतिनिधि बना करके सभी रशियन कांग्रेस के साथ उनको है ना उनके बीच में भेजा गया। इस प्रकार प्रोविंशियल गवर्नमेंट सो इट्स पावर रेड्यूस बोल्शेविक इन्फ्लुएंस को, इस प्रकार से बोल्शेविक की बढ़ती हुई शक्ति को जो प्रोविंस गवर्नर थे उन्होंने है ना कम करने की कोशिश की। इसी हिसाब से मीनवाइल इन द कंट्री साइड, देहात के अंदर भी पीजेंट्स एंड देयर सोशलिस्ट, किसान और उनके जो समाजवादी लोग थे, रिवॉल्यूशंस लीडर्स थे, उन्होंने प्रेस्ड फॉर ए रेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, उन्होंने जमीन के जो इस प्रकार का जो रेड डिस्ट्रीब्यूशन था उसको
दबाया और लैंड कमेटीज़ वर फॉर्म्ड, और लैंड कमेटीज़ है ना वो बनाई गई टू हैंडल दिस, इस प्रकार से उनको है ना संचालित करने के लिए, एनकरेज्ड बाय द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज। इस प्रकार से है ना जो समाजवादी लोग, क्रांतिकारी लोग थे, पीजेंट्स किसान थे, सीज लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917 जुलाई और सितंबर को के बीच में है ना किसानों ने ये सीज कर ली, अपने यानी कब्जा कर लिया। द रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। अब आता है रिवॉल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917 के अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक्स। बहुत सारे जो है ना विरोध जो थे वो प्रोविजनल गवर्नर और बोल्शेविक के बीच में है ना पैदा हुए हैं। लेनिन फियर्ड द प्रोविजनल गवर्नर वुड सेट अप ए डिक्टेटरशिप, और लेनिन ने ये सोचा कि ये जो प्रोविजनल गवर्नर है वो एक तानाशाह के रूप में होगा, इसलिए सितंबर के अंदर ही बिगेन डिस्कशंस, उसने इस बात के लिए ना डिस्कशन वाद विवाद करना शुरू किया फॉर अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के विरुद्ध उसको है ना अपराइजिंग करने के लिए। बोल्शेविक सपोर्टर्स इन द आर्मी, और जो बोल्शेविक के सपोर्टर्स थे वो फौज के अंदर थे। सोवियत्स एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर, और वो भी उसके साथ हो लिए। इस प्रकार 16 अक्टूबर 1917 लेनिन पर्सुएडेड द पेट्रोग्राड सोवियत, लेनिन ने पेट्रोग्राड सोवियत को फुसलाए एंड बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। इस प्रकार शक्ति को सामाजिक समाजवादियों के द्वारा सीजर करने के लिए, मतलब उसको कम करने के लिए ना सहमति बना ली गई। मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी वर अपॉइंटेड बाय द सोवियत अंडर लेनिन ट्रॉट्स्की टू ऑर्गेनाइज द सीजर। द डेट ऑफ द इवेंट वाज केप्ट ए सीक्रेट, इस प्रकार से जो है ना डेट थी वो है ना गुप्त रखी गई। 24 अक्टूबर, इस प्रकार से ये 24 अक्टूबर को है ना ये शुरू हुआ, और सेंसिंग ट्रेवल प्राइम मिनिस्टर स्केरेंस्की हैड लेफ्ट द सिटी टू समन ट्रूप्स, और प्राइम मिनिस्टर जो उस समय का केरेंस्की था उसने शहर को छोड़ दिया और अपने ट्रूप्स टुकड़ियों के साथ, और इस प्रकार है ना डॉन मिलिट्री मैन रोल लॉयल टू गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग ऑफ द टू बोल्शेविक न्यूज़पेपर्स। इस प्रकार से है ना बोल्शेविक ने दो अखबारों के साथ उस बिल्डिंग को सीज कर लिया जो सरकारी बिल्डिंग थी। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू टेक द टेलीफोन एंड इस प्रकार से आप कह सकते हो कि अरूबा सेल द विंटर पैलेस, और जो विंटर पैलेस था उसके अंदर अरूबा नाम का, वहाँ ये बाद में ये शिप जो जो जहाज था वो अदर वेसल्स सेल्ड डाउन द नेवा, इस प्रकार से दूसरे और भी है ना जो जहाजी बेड़े जो थे वो नेवा की तरफ बढ़ गए एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स, और इस प्रकार से बहुत सारा मिलिट्री पॉइंट्स है ना पूरा चारों तरफ मिलिट्रियों का सहयोग हो गया, और बाय नाइट फॉल द सिटी वाज अंडर वी कमेटीज कंट्रोल, और शहर है ना उस समिति के नियंत्रण में आ गया। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है कि वार चेंज आफ्टर अक्टूबर, कि अक्टूबर के बाद में क्या क्या परिवर्तन हुए। अक्टूबर के बाद में द बोल्शेविक वर टोटली अपोज्ड, ये जितने भी बोल्शेविक थे वो संपूर्ण रूप से ना विरोधी हो गए थे। प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी प्रॉपर्टी के खिलाफ, मोस्ट इंडस्ट्रीज, बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज थी और बैंक्स थे वर नेशनलाइज्ड, उनको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया नवंबर 1917 के अंदर, और इसका अभिप्राय ये होता कि गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, किस सरकार ने ना अपना पूरा खुद का मालिकाना हक कर लिया और मैनेजमेंट अपनी व्यवस्था कायम की। शहरों के अंदर जो बोल्शेविक थे उनको एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ द लार्ज हाउसेज, उनके जो बड़े बड़े घर थे उनका पार्टीशन कर दिया गया टू फैमिली रिक्वायरमेंट्स, और उनकी जरूरत परिवार की जरूरतों के हिसाब से दे बैंड द ओल्ड टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी, और उनको पुराने जो एरिस्टोक्रेटी के जो टाइटल्स थे उनको ऐसे प्रतिबंध लगा दिया गया। बोल्शेविक पार्टी बाज रिनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, और जो बोल्शेविक पार्टी थी उसका नाम रशियन कम्युनिस्ट पार्टी है ना रखा गया, और नवंबर 1917 के अंदर द बोल्शेविक कंडक्टेड द इलेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इस प्रकार है ना संवैधानिक सभा का
कंडक्ट किए गए उनके चुनावों को, इलेक्शन से ना चालू किए, और जनवरी 1918 को असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मार्शल्स एंड लेनिन डिसमिस द असेंबली। इस प्रकार है ना जनवरी 1918 को लेनिन ने ना असेंबली को डिसमिस किया, और उसने ये सोचा कि द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ द सोवियत, कि सोवियत के सारे जो रशियन कांग्रेस के मेंबर्स हैं वो डेमोक्रेटिक, कि वो सारी के सारे लोकतांत्रिक हैं। देन एन असेंबली इलेक्टेड एन अनसर्टेन कंडीशंस, और ये एक अनिश्चित शर्तों के साथ है ना इस असेंबली की ने रचना की है। इस प्रकार द सीक्रेट पुलिस कॉल द चेका फर्स्ट एंड लेटर ओपी ओजीपीयू एंड एनकेवीडी। ये पनिस्ट दोज, ये वो चीज़ थी कि हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक, जिन्होंने बोल्शेविक ने क्रिटिसाइज आलोचना की थी, और मैनी यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट रेल टू द पार्टी, वो इस पार्टी के साथ है ना रैली यानी जुड़ गए थे, एंड स्टूड फॉर द सोशलिज्म एंड फ्रॉम चेंज, और इस प्रकार से वो है ना परिवर्तन के लिए समाजवाद के साथ खड़े हो गए थे। आफ्टर अक्टूबर 1917 दिस लेड टू द एक्सपेरिमेंट्स इन द आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर, कला और शिल्प कला के अंदर है ना ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए। अब द सिविल वार,